हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स में अगस्त के महीने का भाग दो। पार्ट वन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, ये मेरा पार्ट टू है। आपको पता है हर एक पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन कवर करता हूं, 25 क्वेश्चन, और एक मंथ में चार पार्ट होते हैं तो 25 × 4 दैट इज 100 क्वेश्चन होते हैं पर मंथ। आपका RIMC के एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है, 3 दिसंबर डे ऑफ बैटल है, आपका एग्जाम है 3 दिसंबर। RMS दिसंबर में होगा, सैनिक स्कूल दिसंबर में होगा, UP सैनिक स्कूल भी आपका दिसंबर में होगा, क्लियर। सैनिक स्कूल जनवरी में हो जाता है, तो ये सारी एग्जाम डेट हैं। तो ऐसे में इन सब एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं बच्चों, आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक GK को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। लेट अस सपोज, मान के चलिए अभी क्या है, चाइना और ताइवान के टसल चल रही है, तो चाइना की कैपिटल पूछी जा सकती है। तो आप कहेंगे कि सर चाइना की कैपिटल तो स्टैटिक GK है, बट न्यूज़ तो करंट से आई है, न्यूज़ तो करंट की थी, तो इसलिए दोनों चीज़ें बच्चों एक दूसरे से रिलेट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिक GK और को प्रिपेयर करने के लिए आपको करंट अफेयर को भी साथ साथ प्रिपेयर करना होगा। नंबर टू बात, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ही वीडियो पब्लिश हो, अपलोड हो, तुरंत उसको देख लीजिए, दो बार उसको देखिए, 2 times उसको देखिए, और फिर हमारी जो क्विज है, क्विज सेक्शन, वहाँ पे उस क्विज सेक्शन को अटेम्प्ट करिए, सो दैट आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। लास्ट मिनट में जो हमारा क्विज सेक्शन है वहाँ से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को देखिए, जितनी ज़्यादा आप रिवाइज करके जाएंगे आपके मार्क्स उतने ही बेटर आएंगे। RIMC का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 25 कैंडिडेट्स हम लेंगे टोटल, 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा, आप इसमें जुड़ सकते हैं। RIMC के बैच में आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, अराउंड 2.5 months का ये पूरा बैच चलेगा, और 2.5 months में आपका सिलेबस पूरा कराने की गारंटी हम देते हैं, आपका पूरा सिलेबस इसमें कराया जाएगा। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, RIMC, RMS सैनिक, GNVST, UP ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। 2 live classes आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 live classes फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, चार्ज, क्लियर, फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा जो भी आप कोर्स को चूज करेंगे। QR कोड को स्कैन करके आप गूगल लेंस के थ्रू हमारे इस पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको अवेल कर सकते हैं, ये रियल टेस्ट सीरीज है। आज हम क्या करेंगे, पार्ट टू करेंगे अगस्त के महीने का पार्ट टू हम इसमें करेंगे। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में जो जून RIMC का पेपर हुआ था उसमें 44 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब से आए थे, और टोटल 65 क्वेश्चन ऑल ओवर हमारे प्लेटफॉर्म से आए थे, 65 क्वेश्चन GK की बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 75। सो आप इस बात की गारंटी जरूर ले सकते हैं कि अगर आपने यूट्यूब को भी फॉलो किया तो आपके 44 नंबर मींस आपको इंडिविजुअली फेल नहीं कर सकता कोई, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तब तो आपको दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए, लास्ट टाइम एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, बर्निंग क्वेश्चन क्या था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो NASA किस देश की स्पेस एजेंसी है आपको भाई, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथ में जो ये अदर कंट्री लिखे हैं इनकी भी इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी है, लाइक है जापान की क्या है, JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दिस इज JAXA। रशिया रोस्कोसमोस है, RUSCOSMOS, रोस्कोसमोस, और इंडिया की क्या है, इंडिया की तो इसरो है जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, क्लियर। फर्स्ट अगस्त 1 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, और विक्रम साराभाई इसके पहले चीफ थे, क्लियर। एस सोमनाथ इसके अभी करंट चीफ हैं, इसरो के अभी करंट चीफ कौन है, एस सोमनाथ। यूएसए ने जापान पे परमाणु बम गिराया था, 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा हुए और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी हुए, इसलिए दोनों डे को बनाते हैं हम हिरोशिमा और नागासाकी डे। USA की कैपिटल Washington DC है, ये भी आपको याद रखना है, Washington DC जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखा गया। जापान की कैपिटल टोक्यो है, रशिया मॉस्को है, इंडिया की न्यू दिल्ली कैपिटल है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। USA लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, कैनेडा के साथ, और क्या नाम है उस बॉर्डर का, उसका नाम है 49th degree parallel, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है इन द वर्ल्ड जो USA शेयर करता है, और USA कैनेडा और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका के 3 important country है। चलिए,
आज का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? तो पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है CSIR की, कौन बनी है? नीला थंबी कलाई सेल्वी, नीला थंबी कलाई सेल्वी बनी है, ये बनी है पहली महिला डायरेक्टर जनरल महिला। ओके, सो द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि महिला बनी है। साथ में अगर मैं बात करूँ CSIR के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे इसके फाउंडर शांति स्वरूप भटनागर। और आपको ये पता होना चाहिए भी शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये इसका संबंध, इस ये अवार्ड किससे एसोसिएट है, तो किससे एसोसिएट है ये अवार्ड, है साइंस से एसोसिएट, साइंस से। सिंस द अवार्ड इज नेम्ड, इनके नाम पे रखा गया है अवार्ड, इसलिए शांति से समझते हैं कि ये अवार्ड पीस से आएगा, पीस से। ऑप्शन में पीस भी मिलता है तो गलत है। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेसिडेंट है इसके नरेंद्र मोदी। CSIR के अभी प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र मोदी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फाइड, उसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद बने हैं। क्लियर, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आपका डवोरकोविच, डवोरकोविच इसके, आरकेडी डवोरकोविच इसके प्रेसिडेंट है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथन आनंद। अगर आनंद की बात हुई है भाई, आनंद की बात हो तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया इसका नाम, वो मिला था। ये पहले खिलाड़ी थे किसी भी खेल में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहले खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, तो कौन थे, विश्वनाथन आनंद। इनको 1991-92 में मिला था खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, और ये स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड है, इसलिए याद रखना। मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर वन प्लेयर है चेस के, और ये कहाँ के, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। साथ में बात करें जो फाइड है, इसका एक हेडक्वार्टर भी है, कहाँ पे, लोजेन में है, LAUSANE, लोजेन। और लोजेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है लोजेन। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, वो भी विश्वनाथन आनंद है। 2800 ईलो रेटिंग उन्होंने प्राप्त कर दी, 2800 की ईलो रेटिंग। अगर कोई भी प्लेयर चेस में 2800 की ईलो रेटिंग प्राप्त कर लेता तो वो ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। तो जैसे अभी प्रणव कुमार बने हैं 75वें ग्रैंड मास्टर, तो ये कौन है, ये पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। चलिए इसको ठीक करिए भाई, इसको ठीक करना है आपको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which country launched its first lunar orbit name Danuri? किस देश ने अपना पहला चंद्रमा का मिशन लॉन्च किया है कि जिसका नाम क्या है, दानुरी। तो किसका है भाई, कौन है, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज साउथ कोरिया। और दानुरी का, दानुरी को अगर कन्वर्ट करें तो इसका मतलब इंजॉय द मून, इसका मतलब है इंजॉय द मून। क्लियर, और जो ये लूनर ऑर्बिटर है ये किसने लॉन्च किया, ये इलोन मस्क की कंपनी का एक रॉकेट नाम है, जिसका जो रॉकेट लॉन्चर है जिसने लॉन्च किया, Falcon 9। रॉकेट का नाम क्या जिससे सैटेलाइट लॉन्च होती है, Falcon 9। और किसका है ये, SpaceX का है, और SpaceX किसकी है, इलोन मस्क की। क्लियर, ये ध्यान रखना भाई, SpaceX क्या किसकी है, इलोन मस्क की। इलोन मस्क की एक कंपनी और है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाती है, और ये SpaceX की जो SpaceX है, जैसे इसरो हो गया, ऐसी प्राइवेट एजेंसी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन करती है, स्पेस में रिसर्च करती है SpaceX, और उसका एक रॉकेट है Falcon 9। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें साउथ कोरिया की करेंसी तो आपकी वोन है, सेम नॉर्थ कोरिया की है वोन। और यहाँ की अगर कैपिटल की बात करें तो सियोल कैपिटल है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रेजिडेंट कौन है, तो यून सुक योल यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। क्लियर, चलिए, और इसको साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, जैसे जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं जापान को, और लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम बोलते हैं साउथ कोरिया को। और जापान और साउथ कोरिया नज़दीक ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है इनके बीच में, ये दोनों ईस्टर्न पार्ट में पढ़ते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
पंचामृत योजना फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम। तो गवर्नमेंट का एक टारगेट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड और बहुत सारे रीजन से। लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने भी एक योजना चली है पंचामृत, जिसका टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। तो कौन सा स्टेट किया? उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की अगर बात हुई तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। हाउएवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत सारी है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा में ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन नेशनल पार्क एक ही है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पे इन चारों राज्य के गवर्नर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नर पूछे जा रहे हैं। एम मध्य प्रदेश में मंगूबाई सी पटेल, तेलंगाना तमिल साई सौंदर राजन, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, हरियाणा बंदारू दत्तात्रेय। ये हैं चारों गवर्नर। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें, शिवराज सिंह चौहान, KCR चंद्रशेखर राव, योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर, ये चारों गवर्नर हैं, चारों चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की बात करूं मैं दृष्टि से, तो सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से भाई आपके वो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया हुआ है, अभी क्वेश्चन में आया हुआ था कि बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, RIMC में आया हुआ था बोरी, तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या उत्तर प्रदेश में कौन सी है। एक तो कटरनिया घाट इंपॉर्टेंट है, हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा इंपॉर्टेंट है, बघीरा अभी हुई थी रामसर साइट में, सुर सरोवर और ओखला। वैसे तो यूपी में टोटल 25 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन बच्चों आपको तो ये याद रखनी है, क्योंकि ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है। क्लियर, यहाँ पे सारी आपको इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया था कब शुरू किया था? तो ये किया था 8 अगस्त 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें एक बहुत ही फेमस नारा महात्मा गांधी ने दिया था, क्या था? डू और डाई, करो या मरो। डू और डाई का नारा दिया था उन्होंने, महात्मा गांधी ने, फादर ऑफ द नेशन। क्लियर। चलिए तो राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए। इंडिया फिनिश्ड एट विच प्लेस? कॉमनवेल्थ गेम फिनिश हो चुके हैं अब तो, 9 अगस्त 10 अगस्त को फिनिश हो गए थे। तो इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, टोटल 61 मेडल इंडिया ने जीते हैं, 61 मेडल। क्लियर। अब उसमें से गोल्ड कितने जीते सब पता होना चाहिए आपको, तीनों में से कुछ भी आ सकते हैं। 22 गोल्ड जीते हैं, 22, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। तो भाई ये तीनों फिगर इंपॉर्टेंट है, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु ने और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं। अगर बात करें सबसे सबसे फर्स्ट प्लेस पे कौन सा कंट्री रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पे 178 मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरे पे 176 जीते हैं इंग्लैंड ने, और तीसरे पे कनाडा 92, और चौथे पे 61 इंडिया। अब तक विदेशों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है ये इंडिया की। अगर बात करें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कहाँ रही थी, जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए थे 2010 में, तब सबसे अच्छी थी, CWG 2010 में सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते थे तब। फोर, अब बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, भाई कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, 2026 कहाँ होंगे? उनका नाम है विक्टोरिया 2026, विक्टोरिया। और विक्टोरिया आपको पता चल गया, विक्टोरिया डेजर्ट भी है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी तो है ऑस्ट्रेलिया में, तो विक्टोरिया शहर में होंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम। 4 साल में होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, 4 साल में। चलिए थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया US ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, क्या नाम है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार, कहाँ पे शुरू हो चुकी है? तो कहाँ पे? बकलो में। और बकलो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बकलो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे शुरू हुई है। साथ में बता दूं, अमेरिका के साथ भारत एक और करता है, दैट इज युद्ध अभ्यास। एंड युद्ध अभ्यास कब शुरू होगी? ओली में कंडक्ट होगी, ओली उत्तराखंड में है, और ये अक्टूबर के महीने में होगी दोनों के। तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, क्लियर, दोनों याद रखना आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? कमला हैरिस। और एक और व्यक्ति आपको अमेरिका की याद रखना है, दैट इज नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नैन्सी पेलोसी वहाँ की लोकसभा, वहाँ की जो संसद है उसकी स्पीकर है, और वो अभी ताइवान आई थी, नैन्सी पेलोसी,
और उन्होंने ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच में टसल चल रही है, बहुत रिश्ते बहुत खराब है दोनों देशों के, तो इससे और भी स्थिति खराब हो गई है। इसलिए ये आपको याद रखना, नैन्सी पेलोसी स्पीकर है किस कंट्री की, तो है ताइवान। ये कंट्री इंपॉर्टेंट है, चलिए बी द राइट आंसर। हु बिकेम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर, तो बताया था मैंने 75th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वी परनाव, वी परनाव। और कब बनते हैं ग्रैंड मास्टर, भाई ग्रैंड मास्टर बनते हैं बच्चों 2800 की रेटिंग, अगर कोई 2800 ईलो रेटिंग अगर कोई प्राप्त कर लेता है ईलो रेटिंग, तो उसको बोलते हैं वो ग्रैंड मास्टर बन जाएगा, ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद 1988 में। क्लियर। और ये रोमानिया सब लिखा है, तो इसकी कैपिटल आपको याद रखना है बुकारेस्ट। क्लियर, बुकारेस्ट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर प्रज्ञानंदा का भी याद रखना है भाई, आर प्रज्ञानंदा, ये चेस से प्लेयर, ये सारे चेस के प्लेयर हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। गुस्तावो पेत्रो सोन इन एज कोलंबिया न्यू प्रेजिडेंट, तो गुस्तावो पेत्रो कोलंबिया के नए प्रेजिडेंट बन गए हैं कोलंबिया के। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया की क्या कैपिटल है, तो क्या है, बोगोटा। राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर डी, बोगोटा। साथ में जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, थिम्पू भूटान की कैपिटल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेरेना विलियम्स ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है, रिटायर, अपना अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर दिया है, वो अब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया, तो किस खेल से संबंध था उनका, तो आंसर ही लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। और महिला में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली है ये, और कहाँ की है, अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, क्लियर, यूएसए की, और लॉन टेनिस से इन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। वर्ल्ड लोयन डे और बायोफ्यूल डे एक ही दिन मनाते हैं दोनों, कब, 10 अगस्त को मनाते हैं लोयन डे और बायोफ्यूल डे। अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो गर्ल्स भी अलाउ हैं, बॉयज भी अलाउ है, हमारे हॉस्टल को विजिट करिए, प्रॉपर फैसिलिटी चेक करिए, यहाँ पे एजुकेशन तो सबसे नंबर वन मिलेगी, आपका रहना खाना खेलना कूदना सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये मान के चलिए आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, बस आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, आप तैयार होने चाहिए इसके लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आइए, अच्छे से देखिए सारी चीज़ों को, और यहाँ पे मंथली चार्ज हम लेते हैं, इसलिए हम पूरी साल नहीं बच्चे को बांध के रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने पूरी साल ले ली इससे फीस, फिर बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो जाना है जाना है, इसलिए मंथली फीस लेते हैं कि ताकि तुरंत ही वो अपना डिसअपियर हो सके। हु इज द चैंपियन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड, 44th चेस ओलंपियाड का कौन सा सबसे परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है, तो कौन सा, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, बिश्केक, बिश्केक है उज्बेकिस्तान की कैपिटल। यूक्रेन कीव, रशिया मॉस्को, इंडिया न्यू दिल्ली, ये याद रखना भाई। और कहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 44th चेस ओलंपियाड कहां पे हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में। चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल, चेन्नई तमिलनाडु कैपिटल, वहाँ पे इसका वेन्यू था, वहाँ पे ये होस्ट हुआ था, उस चेन्नई ने, चेन्नई सिटी ने इसको होस्ट किया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और भारत के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर प्लेयर कौन से है, आर प्रज्ञानंदा हो गया, अविदित गुजराती, ये सारे, आर विश्वनाथन आनंद, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी भी चेस की प्लेयर है महिलाओं में। थ्रू विच मिशन इंडिया विल सेंड ह्यूमंस 6000 मीटर डीप इन ओशन, तो ऐसा कौन सा मिशन है जिसके थ्रू भारत समुद्र के 6000 फीट नीचे आदमी को भेजेगा, ह्यूमंस को भेजेगा। क्लियर, तो सी एक्सप्लोरेशन है एक प्रकार से, तो क्या क्या मिशन है, समुद्रयान, समुद्रयान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और जिस व्हीकल के थ्रू ये जाएगा उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000 है उस व्हीकल का नाम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मत्स्य 6000। हु हैज बीन नेम्ड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो किसका फुटबॉलर ऑफ द ईयर की लिस्ट में नाम है, तो कौन है, मनीषा कल्याण। राइट आंसर इज मनीषा कल्याण। और अगर ये तो वुमेन कैटेगरी में है, अगर मैन कैटेगरी की बात करूं तो मैन कैटेगरी में क्या, सुनील छेत्री है, सातवीं बार बनेंगे वो सुनील छेत्री फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड में, सातवीं बार, तो भारत के सबसे अच्छे हैं भाई सुनील छेत्री मैन कैटेगरी में, और वुमेन कैटेगरी में मनीषा कल्याण। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट ऑन यूएस हेरिटेज बॉल ऑफ फेम,
तो भारत के पहले साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पे है, तो कौन है, कौन है, रामाधर सिंह। और रामाधर सिंह क्या है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का नाम पहले सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए, JDU, जनता दल यूनाइटेड। और उन्होंने अब कोएलिशन किसके लिए, RJD, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद की जो पार्टी है उसके साथ कर लिया। पहले बीजेपी के साथ था, उससे अलायंस इनका टूट गया, अभी इन दोनों फिर से मिल गए। मीन्स तो अब ये 8वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री। तो इनको किसने शपथ दिलवाई, तो ऑब्वियस बात है भाई, कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है तो उनको शपथ दिलवाते हैं वहाँ के गवर्नर। तो क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर कौन है, फगु चौहान है वहाँ के गवर्नर। क्लियर, ये ध्यान रखना भाई, फगु चौहान है वहाँ के गवर्नर, और ये बंदारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आचार्य देवव्रत और बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के गवर्नर है, देखते हैं कौन बच्चा बताते हैं, आचार्य देवव्रत एंड बनवारी लाल पुरोहित, ये चलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं, वो बने हैं तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव सन ऑफ लालू प्रसाद यादव के बच्चे हैं, जो वो बने हैं तेजस्वी यादव, RJD के चीफ है अभी आज की डेट में, तो वो बने हैं वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। सीए भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो किस कैटेगरी में, कौन सा गेम वो उससे संबंध है उनका, फेंसिंग से, राइट आंसर इज फेंसिंग। एवरी ईयर इंटरनेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। क्लियर, और इस दिन दो इंपॉर्टेंट डे और मनाते हैं 12 अगस्त को, कौन सा, वर्ल्ड एलिफेंट डे एंड वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड संस्कृत डे भी हम 12 अगस्त को ही मनाते हैं, और संस्कृत को गॉड्स की लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स है संस्कृत। साथ में इंटरनेशनल यूथ डे तो हम 12 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को क्यों, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, इसलिए हम मनाते हैं 12 जनवरी को, इंटरनेशनल ना करके नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल हो गया 12 अगस्त को, साथ में दो दिन इसके साथ और हो गए। चलिए क्या थी थीम, इंटरजनरेशनल सॉलिडरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। हीराकुड रिजर्वेयर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो किस राज्य में हीराकुड रिजर्वेयर सिचुएटेड है, तो किस राज्य में भाई, ये है आपका ओडिशा। और किस नदी पे बना हुआ है, ये बना है महानदी पे। क्वेश्चन क्यों न्यूज में भाई, एक तो स्टैटिक जीके का तो ये पार्ट है, क्योंकि हीराकुड रिजर्वेयर दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वेयर, लार्जेस्ट रिजर्वेयर, लॉन्गेस्ट है दुनिया का। कितनी लेंथ है इसकी, 15 किलोमीटर लंबा बांध है, रिजर्वेयर में से एक बांध है, एक प्रकार का डैम टाइप का, जहाँ पे पानी को होल्ड करते हैं। क्लियर, जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है तालाब में, तो 15 किलोमीटर इसकी लेंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वेयर है ये। क्लियर, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वेयर है ये। और महानदी पे बना हुआ, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। क्लियर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, महानदी नदी पे बना हुआ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज में क्यों, सवाल ये उठता है भाई, देखो टोटल इस रिजर्वेयर को भी रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया है, रामसर साइट में। अब कितनी होगी भारत में रामसर साइट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 75 रामसर साइट हो चुकी है, ये रिजर्वेयर भी उस रामसर साइट में आ चुका है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RIMC का क्रैश कोर्स भाई 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, अभी से नोट कर लीजिए, लिमिटेड सीट है उसमें। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, साइंस मिनिस्टर है राज्य से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट सलीन वाटर लांटेन को ओपन किया इन्होंने, क्या नाम है रोशनी। रोशनी में क्या, इलेक्ट्रोलाइट की प्रोसेस का यूज करके सी वाटर का यूज करेंगे, और इसमें क्या है, लाइट क्रिएट की जाएगी। क्लियर, चलिए सी इज द राइट आंसर। अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व, ये भारत का 31वां एलिफेंट रिजर्व बना है। तो टोटल भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व है, 31, तो ये 31वां बना है। अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, कहाँ पे है, ये कहाँ पे, आपका तमिलनाडु में, राइट आंसर इज तमिलनाडु। क्लियर, और कर्नाटक में सबसे हाईएस्ट एलिफेंट किस राज्य में, कनाडा में,
सबसे हाईएस्ट एलिफेंट, सॉरी कनाडा का ना, कर्नाटका हाईएस्ट एलिफेंट किस राज्य में है, वो है कर्नाटका। चलिए उदार शक्ति एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, पहली है, और ये किसके बीच में हुई है, कौन से कंट्री के बीच में हुई? तो ये आपकी इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया एंड मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है और यहाँ दोनों के बीच में हुई है। इंडियन एयरफोर्स और RMAF रॉयल मलेशियन एयरफोर्स, इन दोनों के बीच में हुई है। सुखोई 30 MKI, भारत का सुखोई 30 MKI और C-17 एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्लियर। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? VR चौधरी। क्लियर, वी चौधरी है आपका, वी चौधरी भी आप कह सकते हैं। चलिए मनोज पांडे आर्मी चीफ है। आर हरी क्या है? नेवी चीफ है। तीनों याद रखना भैया, तीनों याद रखना। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च अ न्यूज़लेटर साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, एक मैगजीन टाइप में, न्यूज़लेटर टाइप में एक लॉन्च हुआ, क्या नाम है उसका? साइबर परवा। राइट आंसर इज साइबर परवा। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये याद रखना भाई। होम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। ये तीनों। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। लॉ मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो ये जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये याद रखना भाई, ये क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर बहुत आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत आ रहे हैं भाई। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स साइंड MOU विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है MOU। तो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये? तो यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम के बिनोला विलेज में है। बिनोला विलेज गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट के बिनोला विलेज में है ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। क्लियर। चलिए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को बढ़ावा देता है, जो बिजनेस की ग्रोथ करता है, कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करता है बिजनेस के बीच में। तो ये फिक्की है। तो फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फिक्की का हेडक्वार्टर है आपका भाई दिल्ली में। कहाँ का है? दिल्ली में। और जो इसके फाउंडर थे, 1927 में इसको फाउंडर किया था बिजनेसमैन ने, जी डी बिरला। सुना होगा आपने जी डी बिरला, टाटा बिरला हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज है, बहुत बड़े टाटा बिरला बनने की कोशिश कर रहे हो, तो मींस टाटा तो हो गए और ये दूसरा बिरला, जी डी बिरला। क्लियर। ये इसी तरह से भाई, ये बड़े बिजनेसमैन थे जी डी बिरला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए देवदास इज अ बंगाली रोमांस नोवेल रिटन बाय, आज का ये बर्निंग क्वेश्चन है भाई, बर्निंग क्वेश्चन है। तो एक बंगाली रोमांस नोवेल है देवदास और पारो, ये किसने लिखा है? तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के स्टैटिक नोवेल आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है ऑलवेज। ये हमारी हेरिटेज है, लिटरेचर है, इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों में। तो ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। पेनड्राइव कोर्स है, आप यूट्यूब वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे करंट अफेयर आपको मिलती है, संकल्प मिलती है, आगाज सीरीज मिलती है, ये तीन तो हमारी यूट्यूब पे बिल्कुल रेगुलर चीज़ आपको मिलती है। साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कब कॉल लेटर आएंगे, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा स्कूल चुनना है, कहाँ गलती नहीं करनी है, वो सारी गाइडेंस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलती है। तो मुझे लगता है वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चों आपकी सारी प्रॉब्लम का, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स का अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, इन नंबर पे आप हमें दीजिए। सो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।